हेलो लोजी, मैं फिर आ गया आपके सामने एक और परफ्यूम को लेके। इस परफ्यूम के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगला रिव्यू इसी का करने जा रहा हूँ। इस कंपनी के एक परफ्यूम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो परफ्यूम मुझे बहुत ही शानदार लगा, कम बजट में अच्छी स्मेल के साथ और अच्छी लॉन्जिविटी के साथ था, और उसका नाम था ब्रू मस्ट। रेड कलर की बड़ी शानदार सी बॉटल थी। एक बार आपको और वो बॉटल दिखाता हूँ। रेड कलर की ये जो शानदार बॉटल है, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम थी। वैसे तो ये 380 का MRP रखता है, लेकिन मैंने इसे 271 में मंगाया था। लेकिन जब मैंने इसको मंगा लिया तो इसका प्राइस जानते हैं क्या हो गया था? 187 में 100 ml की ये बॉटल तो बहुत ही सस्ती है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्यों जल्दी मंगा लिया। लेकिन ये सब अप डाउन तो चलते रहते हैं परफ्यूम के प्राइस में। तो अगर आप इस परफ्यूम को लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, हो सकता है आपको भी 187 में ये मिल जाए। एक बार ट्राई जरूर करिए, एक अच्छा परफ्यूम है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसी ब्रू कंपनी के एक नए परफ्यूम के बारे में। नया तो क्या कहूँ, मेरे लिए नया है क्योंकि मैंने इसे मंगाया है। ये ब्लैक कलर का बॉक्स है इसका, जैसा वो रेड परफ्यूम था वैसे ये ब्लैक में है। इसका बॉक्स आप देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बॉक्स लगता है। अगर ये 187 में मिल जाए तो इस क्वालिटी का बॉक्स बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा। तो बॉक्स आपने देख लिया, सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसका MRP यहाँ लिखा हुआ है 380, लेकिन ये 380 में नहीं मिलेगा, इससे कम में आपको मिल जाएगा। इसको रख देता हूँ यहाँ पर और अब दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। ये देखिए ब्लैक कलर की है, जैसी आपने देखी थी रेड वाली वैसे ये ब्लैक है। दोनों बोतल एक सी है, लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद आई थी। खैर आज बात करेंगे इसकी कि ये कैसी निकली। तो चलिए सबसे पहले इसकी बोतल आप देख लीजिए, जैसी रेड थी वैसी ब्लैक, बस कलर स्कीम में फर्क है और भी कुछ फर्क इसमें नहीं है। ये 100 ml की बोतल है। अब इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करते हैं। एटमाइजर इसका देखिए ब्लैक कलर का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए स्प्रेयर भी इसका काफी अच्छा है, हल्की हल्की मिस्ट स्प्रे करता है। वाह, देखिए इसकी स्मेल और उसकी स्मेल शुरुआत में मुझे एक सी लग रही। इसमें हल्की सी जो एप्पल की स्मेल होती है वो आ रही है, और सिट्रस स्मेल तो नॉर्मली होती ही है, और वो है ऑरेंज की। तो ऑरेंज की सिट्रस स्मेल के साथ एप्पल की जो फ्रूटी स्मेल होती है वो भी इसके साथ में ओपनिंग में ही आपको मिल जाती है। एक अच्छी तरीके से इसकी शुरुआत होती है जो कि आपको बड़ी रिफ्रेशिंग लगेगी। तो एक अच्छी शुरुआत के साथ जब ये मिड नोट में इंटर करता है तो इसमें हल्का सा स्पाइसीनेस जो होता है, स्वीट कार्डमम होता है ना, कार्डमम इलायची की जो स्मेल होती है, हल्की सी मिठास लिए हुए होती है, तो वो स्मेल इसके साथ मिक्स हो जाती है। और साथ में थोड़ी सी कड़वी स्मेल जो कि ऑरेंज ब्लॉसम की होती है, निरोली की होती है, वो स्मेल भी इसके अंदर थोड़ी सी आने लगती है। जो फ्लोरल स्मेल होती है ना, वो स्मेल मिक्स होके थोड़ी सी स्पाइसी स्मेल के साथ एक अच्छा इसको परफ्यूम बनाने की ओर अग्रसर हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जब ये कम से कम आधा एक घंटे बाद थोड़ा सा सेटल होता है और अपने ड्राई डाउन में इंटर करता है तो इसके अंदर से आपको सैंडलवुड की जो स्मेल होती है, थोड़ी सी एम्बरी स्मेल होती है, नीला की वैसी स्मेल हल्की हल्की इसमें आने लगती है। तो इसका बेस नोट जो है वो थोड़ा सा एम्बरी है और सैंडलवुड की तरह है, जो सैंडलवुड की स्वीटनेस होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये एक हल्का सा स्वीट परफ्यूम बन जाता है, वुडी परफ्यूम बन जाता है, एम्बरी परफ्यूम बन जाता है, जो कि कम से कम 2 से 3 घंटे तक तो आपकी बॉडी पे आराम से टिका रहता है। वैसे एक बात बताऊं, घंटों की बात मैंने की है तो इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बताता हूँ। जितनी अच्छी लॉन्जिविटी मुझे इसकी मिली उतनी इसकी नहीं मिल पाई। ये मुझे 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी आराम से दे रहा है, लेकिन ये मुझे 4 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे से ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी मुझे नहीं मिली। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी लॉन्जिविटी कितनी मिली। मुझे तो 3 से 4 घंटे की लॉन्जिविटी इसकी मिली, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिली। प्राइस तो मैंने आपको इसका बता ही दिया है कि 380 इसका प्राइस है MRP, लेकिन ये आपको 200 रुपये या हो सकता है 187, जो मैं कह रहा हूँ कि इस समय मैंने देखा हो सकता है 187 मिल जाए, लेकिन ये 200 से 250 रुपये के बीच में आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो अगर इस प्राइस में आपको ये मिल रहा है तो एक ठीक परफ्यूम है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, उनमें से अगर देखता हूं मैं तो एक नए परफ्यूम में ये मुझे अच्छा परफ्यूम लगा, कॉस्ट वाइज भी, स्मेल वाइज भी और लॉन्जिविटी वाइज भी अच्छा लगा। ये तो लॉन्जिविटी में उतना अच्छा नहीं है,
इतना अच्छा रेड वाला है, लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे की लॉन्जिविटी इसकी आराम से मिल जाती है। तो ये था ब्रू के जैकपॉट के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके इसे परचेज कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कीजिए कि आप लोगों को ये परफ्यूम कैसा लगा। तो अब बारी आती है कि अगला वीडियो किस परफ्यूम का होगा। तो चलिए इसको तो पहले रखते हैं यहाँ पर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भास्कर डे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि न्यूट परफ्यूम के मैनहट्टन हिल्स के बारे में बताइए। तो भास्कर डे, मैंने मैनहट्टन हिल्स मंगा लिया है, न्यूट परफ्यूम का ये मैनहट्टन हिल्स है। इसका बॉक्स आप देख रहे हैं, इसकी बॉटल मैंने बाहर निकाल ली है, इसको भी आपको दिखाता हूँ। अच्छी बॉटल है, बॉटल बड़ी अच्छी है, बड़ी सॉलिड है, थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर में है, ऊपर डार्क ब्राउन है, नीचे जाते जाते हल्का सा ऑरेंज हो जाती है बॉटल। तो एक अच्छी बॉटल है, इसका कैप भी आप देख रहे हैं सिल्वर है, अच्छा है। बाकी सारी डिटेल्स अगले वीडियो में बताऊंगा, जब इसके बारे में फुल रिव्यू करूंगा तो सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, बहुत ही जल्दी न्यूट परफ्यूम के मैनहट्टन हिल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। भास्कर डे, आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज का ये वीडियो ब्रू के जैकपॉट के बारे में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।